हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के बारे में। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी आपका गिवन ग्राफ है इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री क्या हो तो वो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका एक गिवन ग्राफ है जिसमें टोटल 5 वर्टिसेस हैं। अब हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री फाइंड आउट करनी है। तो जो मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री फाइंड आउट करेंगे उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, n-1। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एजेस जो आएंगे वो 5-1 विच इज इक्वल्स टू 4। ये नंबर ऑफ एजेस होंगी, 4 एजेस होंगी हमारी मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री में। तो अब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है हम देखेंगे। ये आपका गिवन ग्राफ है, इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम एज कहाँ है। तो मिनिमम एज कहाँ है, 1 to 2, दैट मीन्स 10। इसको ड्रॉ कर लेंगे, 1 to 2 फर्स्ट मिनिमम, टेक फर्स्ट मिनिमम एंड एड इन टू पेनेट्री, हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट मिनिमम क्या आपका 20, तो 3 to 4, तो 3 to 4 ले लिया, 3 to 4, तो ये क्या हो गया 20। नेक्स्ट मिनिमम क्या है 30, तो 30 को यहाँ ले लिए। नेक्स्ट मिनिमम क्या आपका 40, तो क्या हम 40 को इस तरीके से ले सकते हैं, नहीं ले सकते। भले ये मिनिमम है बट इसको हमें क्या करना होगा, नहीं लेना होगा। क्यों नहीं लेना होगा, क्योंकि ये आपका जो है स्पाइनल ट्री की प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि स्पाइनल ट्री में कभी कोई साइकिल नहीं आ सकती। तो मिनिमम एज होते हुए भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट मिनिमम पे, वो क्या आपका 50। तो 50 को भी अगर ऐड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगी, साइकिल बन जाएगी। तो 50 को भी ऐड नहीं करेंगे। ओके, मिनिमम का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसको हमें क्या करना है, स्पाइनल ट्री में ऐड ही करना है, नहीं ऐड करेंगे। वो अगर प्रॉपर्टी को वॉयलेट करेगा उसको हम नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट 60 को भी अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइकिल बन जाएगी, तो उसको भी ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये आपका 70, तो 75 के साथ अटैच हो गया, तो 70 यहाँ आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी चाहिए थी, 4। 1, 2, 3, 4 एजेस आ गई, ये आपकी स्पाइनल एंट्री हो गई। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, 10 + 20 + 30 + 70 विच इज इक्वल टू 130। तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग अगर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अप्लाई किए तो हमें जो मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री, उसका ये आपका डायग्राम है, उसकी कॉस्ट क्या आपकी 130। ओके, तो एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ये आपका एक ग्राफ गिवन है, इसे करस्पॉन्डिंग क्या करना है, इस पर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अप्लाई करके मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले सारे वर्टिसेस को ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है, 1 by 1 मिनिमम एजेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो 1 by 1 इसको कनेक्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 1, ये मिनिमम है, यानी A to C, तो A to C को कनेक्ट कर दिया, 1 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट मिनिमम आपका 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो कोई सा भी पहले पिक कर सकते हैं। तो क्या हम इसको पिक कर सकते हैं, यस, इसको भी पिक कर सकते हैं, यहाँ 2 पिक कर लिया। क्या अब इस, यानी इसको हमने पिक कर लिया, क्या इसको पिक कर सकते हैं, अगर इसको पिक करेंगे और यहाँ हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइकिल बन जाएगा। तो बस इसी चीज़ का ध्यान देना है कि साइकिल फॉर्म ना हो, तो इसका मतलब इसको जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 3 एजेस हमने एग्जामिन कर लिया। नेक्स्ट मिनिमम क्या आ रहा है, ये 2, तो 2 को ऐड कर सकते हैं, यस, यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसको एग्जामिन कर लिया। नेक्स्ट अब इस 2 को ले सकते हैं, यस, ये किसके किसके बीच में, आई और ई के बीच में, आई और ई के बीच में, ये आपका आ गया 2। ओके, तो इसको भी हमने एग्जामिन कर लिया। नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 2 के बाद 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे, तो क्या 3 यहाँ आ सकता है, यस, यहाँ 3 आ सकता है। ओके, कहीं कोई साइकिल फॉर्म हो रही है, नहीं, तो 3 को एग्जामिन कर लिया। क्या कोई दूसरा 3 है, कोई दूसरा 3 नहीं है। नेक्स्ट ये आपका 4 है, तो 4 यहाँ है, यहाँ है, यानी 2 4 यहाँ पे हैं, तो 4 का है H और F के बीच में और एच और आई के बीच में, तो एच और अगर एफ के बीच में हम ले रहे हैं 4 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मैंने इसको पिक कर लिया, 4 एग्जामिन हम कर लिए। नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 4, तो 4 को क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं, इधर से, यस, 4 यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं कोई साइकिल फॉर्म नहीं आ रही, देखो कहीं कोई साइकिल नहीं आ रही अभी तक, ये हो गया। नेक्स्ट 4 कम्प्लीट। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, 5, तो 5 कहाँ है, 5 यहाँ पे, तो क्या 5 को ऐड कर सकते हैं, यस, 5 को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट जो है मिनिमम क्या आ रहा है आपका, 6 यहाँ पे, तो क्या 6 को ऐड कर सकते हैं, नहीं, 6 को अगर सपोज अगर हमने यहाँ ऐड कर दिया तो ये आपकी क्या हो रही, साइकिल फॉर्म हो जाएगी, तो 6 को ऐड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट 6 के बाद क्या आ रहा है, मैक्सिमम 8, तो 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो देखते हैं किसको ले सकते हैं। तो अगर हमने इस 8 को लिया, ओके, तो क्या ले सकते हैं, यस, कहीं कोई साइकिल फॉर्म हो रही है,
नहीं कहीं कोई ये नहीं है आपकी एज, ओके, तो साइकिल कहीं भी नहीं फॉर्म हो रही, इसका मतलब हमने इसको एग्जामिन कर लिया। क्या इस 8 को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसको, इस 8 को, अगर 8 को ऐड करेंगे तो देखो ये आपकी साइकिल फॉर्म हो गई, ओके, तो इसका मतलब इस 8 को हम ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट 8 हो गया, नेक्स्ट ये वाला 8, तो अगर इस 8 को ऐड करेंगे, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इस 8 को ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से साइकिल बन रही है, ओके, साइकिल का मतलब इस वर्टेक्स से बाकी अदर वर्टिसेस को कवर करते हुए अगर वापस आ गए इस पर, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी साइकिल हो जाएगी। बहुत ही हमें केयरफुल रहना है, बस साइकिल का ध्यान देना है, तो इसका मतलब ये भी आपका 8 नहीं आएगा। नेक्स्ट 8 के बाद 9, ये आपका 9 है, 9 को यहाँ ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 9 ऐड करेंगे तो यहाँ एक साइकिल मिल जाएगी, इसका मतलब इसको भी ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट के बाद 9 के बाद क्या आपका 11 देखते हैं, 11 को ऐड कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ 11 को ऐड कर दिए ई टू एफ, तो इधर से गए यहाँ गए यहाँ गए फिर वापस आ रहे थे, इसका मतलब यहाँ साइकिल फॉर्म हो रही है, इस 11 को भी ऐड नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट 11 के बाद कौन सा मिनिमम है, 14 को ऐड कर सकते हैं, देखो इसका मतलब ये क्या आपके 14 है, तो अगर इसको ऐड करेंगे, देखो इसको अगर ऐड किए तो ये ऐसे साइकिल आ रही फिर से वापस हम आ रहे, तो इसका मतलब इसको हम नहीं ऐड कर सकते, ओके। नेक्स्ट 14 के बाद नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है आपका 15, तो क्या 15 को ऐड कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से गए फिर वापस आके इधर आ रहे, तो इसका मतलब ये भी आपका 15 नहीं होगा। नेक्स्ट 19, तो 19 को ऐड कर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं, 19 को ऐड करेंगे तो फिर से साइकिल, देखो अगर इसको 19 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से गए फिर वापस आते हुए फिर से यहाँ गए साइकिल, तो अगर इसमें देखेंगे तो इसका मतलब ये कि सबको एग्जामिन कर लिए, मैंने सबको एग्जामिन इसलिए किया ताकि एक क्लैरिटी आए, वैसे ज़रूरत नहीं है सबको एग्जामिन करने की, यहीं हम स्टॉप कर जाते, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे 10, तो एजेस कितनी आनी चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम कॉस्ट पेनल्टी, अब इसको ऐड कर लेंगे, 1 ये हो गया प्लस 2, कितने बार आ रहा है 2 times, 2 plus 2 plus 2, यहाँ भी एक 2 आ रहा है। नेक्स्ट 3 plus 3 आ गया, एक ही 3 है, हाँ, फिर उसके बाद आ रहा है आपका 4 plus 5 plus 6, कहीं है 6 नहीं है, 7 8, यहाँ आ रहा है, तो इसके अलावा कुछ आ रहा है, टोटल एजेस कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और आना चाहिए, कौन सा, 4 टू टाइम्स है, ओके, 4 जो है आपका 2 times है, तो अगर इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 plus 2 3 3 plus 2 5 plus 2 7 10, यहाँ तक हमको 10 मिल गया, प्लस यहाँ तक क्या मिलेगा 13, यानी इनको ऐड कर दी, नहीं 4 plus 5 9 9 plus 4 13 13 plus 21 तो 21 plus 10 ओके 31, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अप्लाई किया, तो ये हमें मिनिमम कॉस्ट पेनेट्री मिल गई और उसकी कॉस्ट क्या है 31। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपली क्या करेंगे, 1 by 1 सारे एजेस को जो है एनालाइज करते जाएंगे, क्या वो हमारे स्पेनेट्री का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर होगा तो इंक्लूड करेंगे, नहीं होगा तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, और एट द एंड जो है हमारे पास रिमेंडर, तो ये था आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम, ओके।